नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक नीति पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोग आर्थिक नीतियों के अंतर्गत जो है वो नियोजन से संबंधित नीति और कृषि नीतियों का अध्ययन कर चुके हैं। कृषि नीति के अंतर्गत जो है एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हुए 6 लेक्चर में हम लोग विस्तृत रूप में जो है सभी पक्षों और पहलुओं का अध्ययन और विश्लेषण किया हुआ है। अब इसी में दो और बचे जो आर्थिक नीतियां हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो कृषि के बाद जो औद्योगिक नीति एक महत्वपूर्ण जो है नीति होती है, जिसको हम लोग आज के इस लेक्चर में जो है प्रारंभ करेंगे। तो औद्योगिक नीति को भी दो भागों में बांट करके देखा जा सकता है। '91 से पूर्व और 1991 के बाद। अब ये जो आर्थिक औद्योगिक नीतियों को हम लोग 1991 से पूर्व और बाद इसलिए अध्ययन करते हैं क्योंकि 1991 के बाद भारत की जो आर्थिक नीति थी वो काफी कुछ जो है परिवर्तित की गई, उदार आर्थिक नीतियों को अपनाया गया। चूंकि आर्थिक नीतियों से ही जो है औद्योगिक नीति संबंधित होता है, इसलिए उद्योगों के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन प्रारंभ हुए। यहाँ पे काफी कुछ लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो है अडॉप्ट किया गया ताकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का जो है संतुलित ढंग से उच्चतम स्तर पर जो है हम लोग उपयोग करते हुए विकास के उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो 1991 के बाद जो है भारत की जो आर्थिक नीति पर आधारित औद्योगिक नीति थी वो काफी कुछ बदली हुई थी। और 1991 से पूर्व में जो भारत की औद्योगिक नीति थी वो इस तरीके की आर्थिक नीतियों पर आधारित थी कि अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप था और उसके द्वारा नियंत्रित एक व्यवस्था आगे बढ़ रही थी। यद्यपि उसमें समय समय पर जो परिवर्तन होता रहा, जो कि अभी हम लोग जो है इसको देखने का प्रयास करेंगे। अब भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो 1948 ईस्वी में जारी की गई, इसे प्रथम औद्योगिक नीति भी कहा जा रहा है। लेकिन इसके पूर्व में हम कुछ पृष्ठभूमि को जो है समझने का जो है प्रयास करेंगे। यद्यपि भारत देखा जाए तो प्राचीन काल से ही जो है औद्योगिक तकनीक या परंपरागत जो शिल्पकारी थी उसके क्षेत्र में बहुत एडवांस था। और इसके आधार पर कुटीर उद्योग, शिल्प उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग जो है काफी विकसित अवस्था में थे। और इसी पर आधारित अगर देखा जाए तो मलमल, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और इसी तरीके से जो है मसालों का निर्यात भारत पूरे विश्व के जो है देशों को करता था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जो औद्योगिक व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही विकसित थी और बहुत ही मजबूत थी। विदेशी आय का माध्यम इसको प्राप्त होता था। लेकिन उत्तर मध्यकाल में यानी कि ब्रिटिश शासन में आकर के इसमें काफी कुछ परिवर्तन जो है प्रारंभ हो जाता है क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ पे औपनिवेशिक शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ही था कि यहाँ से ज्यादा जो है आय को अर्जित किया जाए और अपने देश को भेजा जाए। उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ के चीजों को विकास नहीं था। ऐसी स्थिति में जो है जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण जो प्रारंभ होता है तो उस औद्योगिकरण के बाद भारत की जो शिल्प कला और कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया गया ताकि भारत को ब्रिटेन से बनी हुई वस्तुओं के एक बाजार के रूप में प्रयोग किया जा सके और ब्रिटेन की जो औद्योगिक इकाई है उनके लिए कच्चे माल के रूप में विकसित किया जा सके। यहाँ से कच्चा माल बनता था, वो ब्रिटेन को जाता था, वहां से तैयार माल होता था और यहाँ आकर के जो है उसका निर्यात और बिक्री होती थी। तो इस तरीके का एक जो चक्र जो है यहाँ पे बनाने का प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर के जो ब्रिटिश जो आर्थिक नीतियां थी इस आधार पर जो है बनाई गई थी कि भारत में जीवन निर्वाह चलता रहे और इस तरीके की गतिविधियों का जो है और इस तरीके के नियमों को जो है बनाया जाए जिससे यहाँ के लोग जो वहाँ के बने हुए वस्तुओं का जो है प्रयोग कर सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुलिवन ने जो है जॉन सुलिवन इन्होंने कहा हमारी व्यवस्था कुछ स्पंज की तरह से काम करती है जो गंगा की किनारे से जो है महत्वपूर्ण चीजों को सोख लेती है और उसे वो टेम्स नदी के किनारे जो है निचोड़ देती है। कहने का तात्पर्य उनके कुछ इकोनॉमिक नीतियों के ही संदर्भ में था क्योंकि ब्रिटेन की जो नीतियां थी उसका अधिक से अधिक लाभ कमाना ही उद्देश्य था।
तो इस तरीके से यहाँ जो है जो भी चीजें बनती थी इस तरीके से नीतियां बनाई गई कि वो उन्हें जो है अपने देशों में ले जाने में कोई समस्या ना हो सके। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है स्वतंत्रता के पूर्व भारत को एक इकोनॉमी के रूप में देखने को मिलती है। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, उसके बाद से यहाँ पे जो है अपने तरीके से अपने देश के हित के लिए जो है नीतियों को बनाया जाना प्रारंभ किया गया। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में जो बनाई गई श्यामा प्रसाद जो है मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति जो बनाई गई, यह औद्योगिक नीति जो है नियंत्रित जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित था। एक होता मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है सहअस्तित्व के साथ जो है स्वतंत्रता पूर्वक काम करते थे, लेकिन यहाँ पे नियंत्रित मिश्रित व्यवस्था थी। कहने का मतलब देश स्वतंत्र हुआ था, कई ऐसे क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता थी, कई ऐसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप की आवश्यकता थी जिससे देश का संतुलित और समानता के साथ जो विकास हो सके। तो इन सभी बातों के आधार पर एक नियंत्रित मिश्रित यानी कि निजी क्षेत्र को भी जो स्वीकार किया गया, लेकिन वहां पर जो है सार्वजनिक क्षेत्र का या राज्य का उसमें जो हस्तक्षेप काफी हद तक बनाए रखा गया, इसीलिए उसको नियंत्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो कि व्यवस्था 1948 ईस्वी में प्रारंभ हुई। और उसके बाद 1956 ईस्वी की जो है औद्योगिक नीति जो है प्रारंभ की गई। 1956 ईस्वी की औद्योगिक नीति काफी कुछ बृहद थी, इसमें काफी कुछ आर्थिक पक्षों और पहलुओं को खंगालने, देखने और समझने का प्रयास किया गया। इसमें समाजवादी समाज के ढांचे को भी जो है बनाने का जो प्रयास किया गया 1956 की औद्योगिक नीति में जो है समाजवादी जो है समाज के ढांचे को जो है लागू करने का जो प्रयास किया गया। अब यहाँ पर यह देखना है कि इसमें पूर्व में जो है इसके पूर्व में जो है देखा जाए तो चार प्रकार की जो है उद्योगों की जो है वर्गीकरण था, लेकिन यहाँ पर उद्योगों के वर्गीकरण को जो है चार के जो है बजाय जो है इसे तीन में जो है चेंज कर दिया गया, यानी कि तीन सूचियां जो है बनाई गई। पहले सूची में 17 उद्योग, दूसरे सूची में जो 12 उद्योग और तीसरे सूची में जो है अन्य को जो है सम्मिलित किया गया। इस तरीके से जो है 1956 में उद्योगों की तीन सूचियां जो है बनाई गई थी जो है। अब इसके अंतर्गत ये देखना है कि प्रथम सूची में जो है सार्वजनिक उद्योगों को सम्मिलित किया गया, दूसरे में जो है ऐसे उद्योग सम्मिलित किए गए थे जो बाद में निजी क्षेत्र में भी आ सकते थे या वो जो सार्वजनिक क्षेत्र में भी जा सकते थे, लेकिन इनका जो उद्देश्य था वो संयुक्त रूप में जो है औद्योगिक गतिविधियों को जो है आगे बढ़ाने से संबंधित था, यानी कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर के काम कर सकते थे। और ऐसे उद्योग जो प्रथम में नहीं सम्मिलित थे वो जो है अन्य में थे, इनके विकास की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को दिया गया था। तो इस तरीके से 1956 की औद्योगिक नीति जो है वो समाजवादी ढांचे की स्थापना, समाजवादी समाज के ढांचे की स्थापना पर आधारित था, और इसमें जो है तीन प्रकार के जो सूचियों बनाई गई और पूर्व की चार सूचियों की व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया। अगली औद्योगिक नीति 1977 ईस्वी में आई। 1977 ईस्वी की औद्योगिक नीति जो है 1956 ईस्वी की औद्योगिक नीति से भी विस्तृत थी। इसमें उद्योगों के जो है जहां पर प्रकार इत्यादि को देखा गया, वहीं पर जो है यहाँ पे उद्योगों के स्वरूप को, उसके आकार को भी परिभाषित और व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया। मूल रूप से इसमें 1977 की औद्योगिक नीति में चार बातों पर जो है बल दिया गया। एक तो पहली बात यह है कि समाजवादी जो व्यवस्था थी, ढांचा था, उसके संदर्भ में 1956 के ही जो है नीति को अपनाए रखा गया। समाजवादी समाज के ढांचे की जो औद्योगिक नीतियाँ थी वो 1956 की तरह से ही जो है आगे बढ़ती रही। और दूसरा इसमें लघु एवं जो है कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया। तीसरा इसमें जो है और जिला औद्योगिक केंद्र की जो है बात कही गई, और संयुक्त ज्वाइंट सेक्टर या संयुक्त क्षेत्र, इस तरीके की बातें आई गई। यद्यपि संयुक्त की बात जो है 1956 में भी आई थी, लेकिन यहां पर सेक्टर की बात हो गई, संयुक्त क्षेत्र की जो है बात हो गई कि किस तरीके से जो है दो या दो से अधिक लोग मिलकर के जो है उद्योग इत्यादि को जो है चला सकते हैं। इन सभी बातों पर इसमें जो है
बल दिया गया, संयुक्त क्षेत्र की जो बात कही गई। तो 1956 की जो सामाजिक ढांचे की व्यवस्था थी उसको अपनाया गया। लघु एवं कुटीर उद्योगों के संदर्भ में अगर देखा जाए, लघु एवं कुटीर उद्योगों के संदर्भ में इसमें तीन बातें थी। एक तो यह था कि ऐसे उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि उसमें विज्ञान एवं तकनीक बहुत ज्यादा नहीं विकसित थे, तो ऐसे उद्योगों की स्थापना होनी थी जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें स्वरोजगार आधारित जो है लघु एवं कुटीर उद्योगों पर जो है व्यापक रूप से जो बल दिया गया। दूसरा, इसमें टिनी सेक्टर की बात की गई, यानी कि अति लघु क्षेत्र जिसमें मशीन इत्यादि पर 1,00,000 रुपए तक जो है खर्च हो सकता था, मशीनरी इत्यादि पर 1,00,000 रुपए तक था। और तीसरा, इसमें लघु क्षेत्र था, यानी कि स्वरोजगार पर बल दिया गया। दूसरा, इसमें जो है टिनी सेक्टर पर बल दिया गया। तीसरा, इसमें लघु क्षेत्र पर बल दिया गया जिसमें जो है निवेश की जो है जिसमें 10,00,000 रुपए तक की निवेश की औद्योगिक इकाइयों को सम्मिलित किया गया और 15,00,000 रुपए तक की जो है अनुसंगी औद्योगिक इकाइयां, यानी कि अगर नया कोई उद्योग है तो वह 10,00,000 तक की लिमिट को इसमें जो है बनाया गया, और अगर कोई उद्योग पहले से था उसकी अनुसंगी इकाइयां जो है बनाई जा रही, उसकी सहायक इकाइयां बनाई जा रही, उससे संबद्ध कोई इकाई बनाई जा रही, तो उसमें जो है दो प्रकार की व्यवस्थाएं हो गई। 10 का पहले था और ये जो अनुसंगी इकाइयों के संदर्भ में 15,00,000 की जो व्यवस्था बनाई गई। तो इस तरीके से लघु एवं कुटीर उद्योगों इसमें व्यापक रूप से जो है महत्व दिया गया। बाद में इसमें और भी कई स्तर बनाए गए, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से जो है यह औद्योगिक व्यवस्था पूछा, क्योंकि टीनी और जिला औद्योगिक केंद्र इत्यादि के संदर्भ में कई बार पूछा भी जाता है प्रश्न में कि इस तरीके का पहल भारतीय अर्थव्यवस्था में किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत किया गया। तो ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो ये चीज जो है समझ में आएगा। तो लघु एवं कुटीर उद्योगों पर यहाँ पे बल दिया गया, क्योंकि कोई भी जो है उद्योग होता है वो शुरू में ही जो है बहुत बड़ा या बहुत बड़े जो है पूंजी के आधार पर नहीं खड़ा हो पाता है, या उसका आकार जो है पुनः जो है बिलियन में नहीं पहुंचता है। इसलिए किसी भी उद्योग को अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें छोटे इकाइयों की जो है परिभाषा, उसकी व्यवस्था, उसके नियम को बनाना होगा, ताकि नए लोग उसमें आ सके और अपने को विस्तृत करते हुए बड़े उद्योग औद्योगिक घरानों में जो आ सके। तो इस रूप में जो है यहाँ पे लघु एवं कुटीर उद्योगों को जो है महत्व दिया गया। जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना की गई। जिला औद्योगिक केंद्र एक ऐसी जो है औद्योगिक व्यवस्था होती है जहां पर जो है सभी प्रकार की औद्योगिक सुविधाओं को एक स्थान पर दिया जाता है। वर्तमान समय में भी जिला उद्योग केंद्र इत्यादि की बात कही जाती है, जिला उद्योग केंद्र के संदर्भ में जो है नीतियां बनाई गई हैं और जिला उद्योग केंद्र के रूप में जो है आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है, जिसमें रोजगार लोगों को मिलता है और एक स्थान पर सभी औद्योगिक सुविधाएं भी जो है प्रदान की जाती हैं। अगला है संयुक्त क्षेत्र की जो बात, इसमें ज्वाइंट सेक्टर की जो है बात भी कही गई। तो इस तरीके से 1977 की जो औद्योगिक नीति थी उनमें इन्हीं सभी बातों को जो है सम्मिलित किया गया, इसमें सभी बातों को जो है ध्यान में रखा गया। अगला है 1980 की औद्योगिक नीति, यानी कि प्रथम था, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। 1980 की औद्योगिक नीति जो है वो आर्थिक संघवाद पर आधारित थी। यहाँ पे संघवाद एक शब्द है, संघवाद एक ऐसी जो है व्यवस्था है। अब वो चूंकि आर्थिक संघवाद है, इसी तरीके से राजनीतिक संघवाद भी होता है। जब हम राजनीतिक संघवाद की बात करते हैं तो वहां पे तात्पर्य ये होता है कि देश में जो है राजनीतिक रूप में स्थायित्व, तो राजनीतिक रूप से एक बेहतर संस्कृति का विकास, राजनीतिक निष्ठा या संस्कृति का विकास, राष्ट्रवाद की भावना का विकास, इन सभी बातों के लिए केंद्र और उसकी जो इकाइयां हैं वो मिल करके काम करती हैं। दोनों का उद्देश्य एक होता है, कुछ विषय होते हैं जिसमें दोनों को अलग अलग रूप में काम करने का अवसर मिलता है। ये होता है आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से संघवाद। जब हम आर्थिक रूप से संघवाद की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि उद्देश्य इसका क्या है, समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना, असमानता को दूर करना, लोगों को रोजगार देना, आय प्रदान करना, उनके जीवन स्तर को जो है सुधारना। इन सभी चीजों के लिए जो भी औद्योगिक नीतियां बनाई जाएंगी उसके अंतर्गत जो है कुछ बड़े उद्योग भी हो सकते हैं और छोटे उद्योग, यानी कि इसमें जो है आर्थिक संघवाद के अंतर्गत आर्थिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया, आर्थिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर भी बल दिया गया। तो इस तरीके से जो है चौथे में जो है आर्थिक संघवाद की जो भावना को जो है यहाँ पे स्वीकार किया गया, आर्थिक संघवाद की जो है अवधारणा, आर्थिक संघवाद की अवधारणा को जो है यहाँ पे स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में जो है
संक्षिप्त है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में बांट करके देखेंगे, 1991 के बाद की आर्थिक नीतियां और 1991 के पूर्व की। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इन सभी जो है औद्योगिक नीतियों को देखा, इसके पूर्व में जो है स्वतंत्रता के पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से थी, उसके पूर्व में प्राचीन काल और उत्तर मध्यकाल यानी कि ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों एवं आर्थिक नीतियों को जो है देखने और विश्लेषित करने का प्रयास किया। तो आज के इस लेक्चर में जो है औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो है दो महत्वपूर्ण जो है लेक्चर में जो बटा हुआ था उसका एक पहला लेक्चर हम लोगों ने देख लिया, चार महत्वपूर्ण जो औद्योगिक नीतियों को देख लिया। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको जो है कुछ औद्योगिक नीतियों के बारे में एक समझ विकसित हुई होगी। अगले लेक्चर में पुनः हम 1991 के बाद की जो है आर्थिक नीतियों पर आधारित औद्योगिक नीति को देखेंगे और समझेंगे कि पूरी औद्योगिक नीति किस तरीके से जो है उतार चढ़ाव परिवर्तन के दौर से गुजरती रही है। जैसे यहाँ पे भी परिवर्तन होते रहे, यहाँ पर नियंत्रित व्यवस्था थी, यहाँ पर जो थोड़ा सा समाजवादी स्वरूप में परिवर्तन किया गया 1977 में आकर के, इसको बहुत व्यापक बनाया गया, छोटे उद्योगों को भी इसमें महत्व दिया गया और 1980 ईस्वी में आकर के पुनः देखा गया कि इसमें आर्थिक विकेंद्रीकरण इत्यादि को जो है महत्व दिया गया, उस पर बल दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो राजनीतिक दृष्टिकोण होते हैं उसके आधार पर भी इसमें आर्थिक नीतियां बदलती रही हैं। जैसे 1977 ईस्वी की जो आर्थिक नीति थी वो 1975 ईस्वी में देश में इमरजेंसी लगी, चुनाव के बाद जो जनता पार्टी की सरकार आई तो इसने जो है समाजवादी समाज की व्यवस्था को ज्यादा व्यापक दिया, यहाँ पे छोटे उद्योगों को बल दिया गया, लोगों के रोजगार पर बल दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जो है गिरफ्त में लाया जा सके, देश के जो है असमानता को कम किया जा सके। तो ये थे आज के हम लोगों की औद्योगिक नीति जो कि स्वतंत्रता के बाद से 1991 तक की जो है व्यवस्था पर आधारित था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में पुनः हम 1991 से लेकर के बाद की जो है औद्योगिक नीतियों को देखेंगे। तब तक के लिए आप अपने अध्ययन को व्यवस्थित दिशा में ले जाने का प्रयास कीजिए। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।